फ्रेंड्स, आप भी बना लीजिए आज के डिनर में ये झटपट से बनने वाली स्टिर फ्राई वेजिटेबल, और बनाकर देखिए कि कैसी बनी। तो देख लीजिए इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पर। इसके लिए मैं इन सभी सब्जियों को बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। इसके अलावा आप जो मर्जी हो वो सब्जियाँ ले सकते हैं, जैसे मशरूम ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं और कैबेज भी ले सकते हैं। तो इन सभी को मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। सब्जियों को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने अदरक ले ली है, बारीक बारीक जुलियंस में काट लिया है, और बारीक मिर्ची भी कट कर ली है। लहसुन प्याज खाने वाले लहसुन प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके लिए बना लेती हूँ मैं सबसे पहले मसाला। ये मसाला आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। डाल देती हूँ 1 चम्मच सोया सॉस, और डाल देती हूँ टमाटर केचप, थोड़ा सा मैं विनेगर भी डाल देती हूँ। इसके अलावा आप नींबू भी डाल सकते हैं और बिना इसके भी बना सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक साइड पर रख लेंगे। पैन हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। इसमें डाल लेती हूँ करीब 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें इसमें नहीं चाहिए। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। इसमें डाल देती हूँ जूलेस में की हुई अदरक और ये हरी मिर्ची। हरी मिर्ची अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सबसे पहले डाल देते हैं बेबी कॉर्न। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसको पकने में, तो मैंने इसको सबसे पहले डाल दिया है। और साथ ही में डाल देती हूँ गाजर, इसे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। गैस की फ्लेम को फुल पे रखना है और कंटिन्यू इसे हिलाते रहना है। सब्जियों का कलर मेंटेन रखना है, बहुत ज़्यादा इन्हें पकाना नहीं है। 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब इसी में डाल देती हूँ मैं ये बीन्स, जो कि मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिए हैं, और इसी के साथ मैं डाल देती हूँ ये शिमला, जो कि मैंने डाइस में काट लिए हैं। करीब 1 मिनट मैंने और इन सब्जियों को पका लिया है। अच्छे से कुक हो गई है ये सब्जियाँ, बस बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। इस समय पे मैं डाल देती हूँ बनाई हुई ये ड्रेसिंग या मसाला, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला इसमें अच्छे से बैठ जाए और हल्की हमारी सब्जियां और कुक हो जाए, तो 1-1.5 मिनट के लिए हम इसको और पका लेंगे। गैस को फुल पर ही रखना है और लगातार हिलाते रहना है। सब्जियां हमारी तैयार हो गई है। इस समय पे हम डाल देते हैं इसमें ये पनीर भी। इसको मैंने अलग से स्टीम फ्राई कर लिया था। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब्जियों में पनीर को भी। आप इसमें टोफू भी डाल सकते हैं, जो अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। अब लास्ट में मैं डाल देती हूँ थोड़े से रोस्ट किए हुए तिल भी। ये ऑप्शनल है लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं चाइनीज़ वेजिटेबल्स में ये। और उतार लेते हैं, सर्व कर लेते। आप भी बना लीजिए आज के डिनर में ये झटपट से बनने वाली स्टिर फ्राई वेजिटेबल, और बनाकर देखिए कि कैसी बनी। हम इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से तिल भी।